हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन सप्लीमेंट्री बजट किया जाएगा पेश। पिछले बजट के खाते की भी जाएगी दी जाएगी पूरी जानकारी। पीलिया के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता विपक्ष। चंडीगढ़ पहुंचे पीलिया के मरीजों के मामले पर आज होगी हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार कोर्ट में पेश करेगी अपना जवाब। पीलिया से अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। पांडे साहिब के कफोटा में डायरिया का प्रकोप, करीब 2 दर्जन लोग डायरिया की चपेट में, सभी मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। चंबा में भी आईपीएच विभाग की लापरवाही के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। चंबा में घरों में गंदे पानी की सप्लाई होने से लोग बेहद परेशान हैं। गंदा पानी पीने की वजह से लोग बार बार कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और बीमारी का भी सामना कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के साथ लगती करिया पंचायत के लोगों का कहना है कि कई साल से आईपीएच विभाग नाले का गंदा पानी उठाकर लोगों को पिला रहा है। आईपीएच विभाग अपनी बिछाई गई पाइपलाइनों के जरिए लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया करवा रहा है। इस बारे में करिया पंचायत के प्रधान धर्मपाल ने कहा कि उन्होंने यहाँ हाल ही में कार्यभार संभाला है और उनके ध्यान में ये मामला आया है। उनके मुताबिक पहले भी यहाँ पानी गंदा आता था और लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं। लोगों की इस समस्या को आईपीएच विभाग के सामने उजागर कर इसका समाधान कराया जाएगा। 23 व 19 मार्च से धर्मशाला में होने वाले भारत पाक मैच का विरोध। मेजर विजय सिंह मनकोटिया बोले, अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। पूर्व सैनिक ने कहा, अगर मैच हुआ तो हिमाचल में भी हो सकते हैं हरियाणा जैसी हालात। मैच के विरोध में मुख्यमंत्री वीरभद्र भी आए खुलकर सामने। एचपीसीए के ऑनलाइन टिकट उद्घाटन समारोह के न्योते को भी किया खारिज। बोले, हिमाचल के सीएम इतने सस्ते नहीं कि ऐसे आयोजन में जाएं। अनुराग ठाकुर बोले, मामले को सियासत से नहीं चाहते जोड़ना। टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और भारतीय पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया, जिन्होंने धर्मशाला में 19 मार्च को होने वाले भारत पाक मैच पर इस तरह का बड़ा बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध अब और तेज हो गया है। हिमाचल हाई कोर्ट के डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने इस मैच का विरोध करते हुए देश के शहीदों के साथ धरना और भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट विनय शर्मा हिमाचल के 4 शहीदों के परिवारों के साथ मैच के आयोजन से पहले भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शर्मा ने आरोप लगाया कि एचपीसीए उन पर ऐसा ना करने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में इस मैच के विरोध में तिरंगा यात्रा भी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। पहले दिन राज्यपाल ने पेश किया अभिभाषण। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की विपक्षी सदन में सहयोग की अपील। बोले, सदन में सकारात्मक भूमिका निभाए विपक्ष। सत्र शुरू होने से पहले नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बीजेपी की बैठक। सदन में सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति, कहा पीलिया समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। सुरेश प्रभु के बजट में हिमाचल में नहीं हुआ हिमाचल के लिए कोई ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बोले, उन्हें रेल बजट से नहीं थी कुछ खास उम्मीद। कहा, अभी तक हिमाचल में हुए रेल विस्तार सिर्फ कांग्रेस की पूर्व सरकारों की ही है देन। रेल बजट पर सीएम के आरोपों और दावों को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बताया हास्यास्पद। बोले, अपनी याददाश्त दुरुस्त करें सीएम। ऊना के लोगों को रास नहीं आया रेल बजट। सांसद अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और रेल मंत्री से नई गाड़ी चलाने और महिलाओं की सुरक्षा के चलते अलग से नया महिला कोच जोड़ने की लोगों ने की मांग। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के दोनों शहीदों के परिवारों के लिए 20-20 लाख की वित्तीय मदद का ऐलान किया। हाल ही में कश्मीर के पंपोर एनकाउंटर में शहीद हुए थे मंडी के राजकुमार राणा और शिमला के ओम प्रकाश।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कश्मीर के पंपोर में शहीद हुए हिमाचल के दो जाबाजों के परिवारों को 20-20 लाख की वित्तीय मदद का ऐलान किया। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि मंडी के शहीद राजकुमार राणा और शिमला के शहीद ओम प्रकाश के घर जाकर उनके परिवार को ये मदद राशि सौंप कराएं। हिमाचल प्रदेश की रेसलर द ग्रेट खली उत्तराखंड की हल्द्वानी में रेसलिंग मैच के दौरान जख्मी हुए विदेशी पहलवान के साथ चल रहा था मैच। चंबा के मुख्य बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग, 3 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। ऊना के शासन गांव में करंट लगने के मामले में लोगों का गुस्सा फूटा। धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे पर लगाया जाम, मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। ऊना के शासन गांव में झंडा चढ़ाते समय करंट लगने की घटना के बावजूद बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज दलित समुदाय के लोगों ने चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर जाम लगा दिया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन के आश्वासन और मुआवजे के ऐलान के बाद जाम खोला जा सका। धर्मशाला में जिंदगी से जंग लड़ रहा है 39 साल का युवक कुलजीत। 1.5 साल पहले वन विभाग के रेस्ट हाउस के निर्माण के दौरान पीठ पर गिरी थी बीम और किसी ने नहीं ली कुलजीत की सुध। कुछ सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया मदद का हाथ। सर्दी के मौसम में कम बारिश और बर्फबारी से मायूस शिमला के किसान। फसल को बीमारियां लगने की बड़ी आशंका। गेहूं, लहसुन और मटर समेत अन्य कई सब्जियों पर मंडरा रहा है खतरा। इस साल सर्दियों में 90% से 100% कम हुई बारिश की वजह से गेहूं और सब्जियां दम तोड़ रही हैं, जिसका सीधा असर अब लोगों की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है।